Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ वनडे वर्ल्ड कप 2023 के मैच में भारत को जीत के लिए दो और विराट कोहली को अपने शतक के लिए 3 रन की दरकार थी। बांग्लादेश के बाएं हाथ के स्पिनर नशो मोहम्मद ने गेंद फेंकी जो लेग स्टंप से बाहर जा रही थी। कोहली को लगा कि अंपायर इस गेंद को वाइड करार दे देंगे, लेकिन ऑन फील्ड अंपायर रिचर्ड कैटल रूप ने गेंद को वाइड नहीं करार दिया। अंपायर के फैसले से कोहली को अपना 48वां शतक पूरा करने का मौका मिला और उन्होंने 2 गेंदबाज छक्का मारकर सेंचुरी पूरा करने के साथ ही भारत का दिल जीत लिया। इसके बाद से ही अंपायर कैटलोब्रो की इस बात को लेकर आलोचना हो रही है कि कोहली की शतक पूरा की जाए, इसलिए अंपायर ने लेग स्टंप के बाहर की गेंद को भी वाइड नहीं दिया। आखिर कौन सही है, क्या अंपायर ने कोहली की मदद की या उनका नशुम की गेंद को वाइड करार नहीं देने का फैसला ICC के नियमों के तहत सही था? आइए जानते हैं किस गेंद को वाइड करार दिया जाता है। पहले आपको बता दें कि क्रिकेट के नियम बनाने वाली संस्था मेलबोर्न क्रिकेट क्लब का वाइड को लेकर क्या नियम है, किस गेंद को अंपायर वाइड करा दे सकता है। MCC के आर्टिकल 22.1.1 जो क्रिकेट में वाइड गेंद से संबंधित है मुताबिक एक गेंद को स्ट्राइकर से दूर माना जाएगी जब तक कि वह नॉर्मल क्रिकेट शॉट खेलने के लिए उसकी पहुंच के भीतर ना हो। ICC ने वाइड के नियमों में बदलाव किया था। गौरतलब है कि ICC ने पिछले साल क्रिकेट में छोटे प्रारूप को ध्यान में रखते हुए वाइड के नियम में कुछ बदलाव किए थे। दरअसल फटाफट क्रिकेट में बैटर शॉट लगाने के लिए गेंद फेंके जाने से पहले कई बार इधर उधर मूव करता है। ऐसे में पहले कई बार अंपायर ऐसी गेंदों को भी वाइड करार दे देते थे जो गेंदबाज बैटर को उसकी पोजीशन शिफ्ट करने पर लेग या ऑफ साइड के बाहर की तरफ फेंकता था। इस बात को ध्यान में रखते हुए वाइड के लिए बनाए गए नियम 22.1 में संशोधन किया गया था। इसमें यह व्यवस्था की गई कि किसी गेंद को वाइड करार देने से पहले फील्ड अंपायर बैटर की शॉट लगाने के दौरान की पोजीशन को भी ध्यान रखेंगे, केवल विकेट से गेंद की दूरी को ही मानकर किसी गेंद को वाइड नहीं करा दिया जाएगा। क्यों अंपायर को वाइड देना फैसला नहीं सही? पूर्व इंटरनेशनल अंपायर विनायक कुलकर्णी का कहना है कि वनडे क्रिकेट में सामान्य परिस्थिति में गेंद तब वाइड होती है जब लेग स्टंप के बाहर पिच होती है और बाहर की तरफ जाती होती है, लेकिन इसके साथ एक शर्त भी होती है। अगर स्ट्राइकर अपनी जगह से नहीं हिलता है और उस सूरत में गेंद उससे जा लगती है तो सूरत में लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को भी वाइड करार नहीं दिया जाता है। आसान भाषा में समझे तो बैटर अपनी जगह से हिलकर शॉट खेलने की कोशिश करता है तो फिर लेग स्टंप के बाहर की गेंद भी वाइड नहीं होती है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के खिलाफ मैच में जब नशु मोहम्मद ने गेंद फेंकने से पहले रनर अप लिया था तब विराट कोहली ऑफ साइड की तरफ मूव कर गए थे। अंपायर के नजरिए से अगर कोहली गेंद को खेलने के लिए अपनी जगह से नहीं हिलते तो बॉल उनके पैड पर आकर टकराती, इसलिए फील्ड अंपायर रिचर्ड कैटलोब्रो का वाइड नहीं देने का फैसला सही था और ये कोई भी विवादित फैसला नहीं है। बाकी क्रिकेट के आप ज्ञानी है तो कमेंट बॉक्स में बताइए।